दोस्तों आईपीएल मतलब भारत में दूसरी दिवाली मानी जाती है, क्योंकि आईपीएल दुनिया का ऐसा लीग है जिसके फैन दुनिया के किसी भी क्रिकेट लीग से लगभग दोगुने हैं, और अगर इसकी कमाई की बात करें तो वो भी किसी आम मैचों से 50 गुना ज्यादा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेट टॉप 10 के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम 10 ऐसे तरीकों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जिससे पता चलेगा कि आईपीएल की कमाई 50 गुना कैसे बढ़ जाती है। साथ ही ये भी जानेंगे कि आईपीएल की कमाई बीसीसीआई, टीम ऑनर और प्लेयर में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हालांकि इनमें से कुछ तरीके तो ऐसे हैं जिन्हें आप आज तक शायद ही जानते होंगे, तो पूरा जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आगे चलने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए जानते हैं दोस्तों, इस सूची में पहला तरीका है प्लेयर ऑक्शन। दरअसल प्लेयर ऑक्शन में खिलाड़ियों की नीलामी होती है, और ये नीलामी उस टीम के मालिक द्वारा की जाती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे विराट को इस साल 17 करोड़ रुपए में और धोनी को 15 करोड़ रुपए में खरीदा गया है, या दूसरी भाषा में आप कह सकते हैं कि उन्हें पूरे आईपीएल की ये सैलरी दी गई है। दरअसल इस प्लेयर ऑक्शन में उन खिलाड़ियों की बोली लगाई जाती है और एक टीम तैयार की जाती है, और उस बोली का पूरा अमाउंट खिलाड़ियों के पास ही जाता है, जिसके बदले उन खिलाड़ियों से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है कि पूरे आईपीएल के दौरान उस कॉन्ट्रैक्ट की लिखी हर बातों के अनुसार ही उन्हें चलना होगा। इसके बाद यहाँ प्लेयर तो खरीद लिए गए, पर उन प्लेयर को रहने, खाने और जाने का पैसा कौन देगा, जिसको देखते हुए बीसीसीआई ने नियम बनाया, और वो नियम है ऑफिशियल पार्टनर। दरअसल इसके बनाने के पीछे का कारण था कि कहीं टीम मालिक पैसा बचाने के चक्कर में खिलाड़ियों के खाने पीने या उनके रहने में कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कोई दिक्कत ना कर दे, जिससे कि कोई आईपीएल खिलाड़ी अगला मैच ही ना खेले। तो बीसीसीआई ने इसे देखते हुए एक ऑफिशियल पार्टनर लॉन्च कर दिया, जो कि टीम के खाने पीने और रहने का पूरा खर्चा उठाती है। जैसे कि इस साल के 6 टीम की ऑफिशियल पार्टनर है बीकेटी टायर्स। इसी कंपनी के निगरानी में आता है टीम का सारा फूडिंग, लॉजिंग और ट्रैवलिंग, जिसके लिए ऑफिशियल पार्टनर आईपीएल टीम से अपना प्रचार कराती है। पर इसके लिए ऑफिशियल पार्टनर को अपने बजट का 40% अमाउंट टीम के मालिक को चुकाना पड़ता है, और लगभग 60% खिलाड़ियों पर खर्च होता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि जब नीलामी होती है तो प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट पर साफ तौर पर लिखा होता है कि बिना मालिक के मर्जी के कोई खिलाड़ी उन दिनों कुछ नहीं कर सकता। इसी वजह से 40-60 का अमाउंट रेशो रहता है ऑफिशियल पार्टनर का। अब टीम की फूडिंग लॉजिंग भी हो गई और टीम पहुंच भी गई, तो अब मुद्दा आता है टीम के इक्विपमेंट से लेकर उसके कपड़े तथा खेल द्वारा उपयोग होने वाले सारे किट। तो इसके लिए आईपीएल में तीसरा तरीका है कमाने का, टीम स्पॉन्सर, जिसके लिए देश के बड़े बड़े ब्रांडों के जरिए हर टीम का कोई न कोई ब्रांड स्पॉन्सर होता है। जैसे कि चेन्नई को मुथूट ग्रुप, बेंगलुरु को एमपीएल और मुंबई इंडियंस को वायाकॉम कलश टीवी है। दरअसल इसके बदले ब्रांड कंपनी पूरे आईपीएल के दौरान टीम के किसी भी खिलाड़ी से अपने ब्रांड का प्रचार करा सकती है, जिसके लिए उनको भारी रकम चुकानी पड़ती है, जिसका सारा पैसा यानी जितनी भी कंपनी टीम को स्पॉन्सर करती है उसका सारा पैसा टीम के मालिक के पास जाता है, और ये कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से होता है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें बीसीसीआई का क्या फायदा है, तो इसको जानने के लिए वीडियो में बने रहे, क्योंकि वीडियो के अंत तक आपको दो ऐसे तरीके पता चलेंगे जिसको आप आज से पहले शायद ही जानते होंगे। तो इसी तरह इस सूची में चौथा तरीका आईपीएल में कमाने का, टाइटल स्पॉन्सर। आपने पिछले साल ड्रीम इलेवन का नाम तो सुना ही होगा। दरअसल 2018 से 2022 तक वीवो ने टाइटल स्पॉन्सर के लिए बीसीसीआई को 2190 करोड़ रुपए चुकाए थे, यानी 440 करोड़ सालाना। पर देश विवाद की वजह से बीसीसीआई ने अगस्त 2020 में वीवो के साथ कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया। आखिर हमारी बीसीसीआई विश्व की सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड जो है, तो क्यों ना करे। जिसकी जगह ड्रीम इलेवन ने इसका टाइटल स्पॉन्सरशिप ले लिया, जिसके लिए ड्रीम इलेवन ने एक साल के 222 करोड़ रुपए चुकाए थे। हालांकि 2021 में वीवो ने फिर से स्पॉन्सरशिप वापस ले ली है। दरअसल टाइटल स्पॉन्सरशिप का 60% अमाउंट बीसीसीआई और 40% अमाउंट टीम ओनर के पास जाता है, यानी 440 करोड़ में से 264 करोड़ रुपए बीसीसीआई का और 176 करोड़ रुपए टीम मालिक के पास जाता है। तो दोस्तों इस इन्फॉर्मेशन के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों इस सूची में जो पांचवा तरीका आईपीएल में पैसे का,
वो है टिकट कलेक्शन का। हालांकि दोस्तों टिकट कलेक्शन का सारा पैसा टीम के मालिक के पास जाता है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक टिकट का अमाउंट 500 रुपए से लेकर के 5000 रुपए तक जाता है, जो कि स्टेडियम के हिसाब से और टीम के प्रशंसकों के हिसाब से उस मैच का टिकट का मूल्य निर्धारित किया जाता है। वैसे 2019 में एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग मैचों के 80 से 150 करोड़ के बीच में टिकट कलेक्शन का अनुमान जताया गया है, जो मैच खत्म होने के बाद जीतने वाली टीम के मालिकों को 60% और हारने वाले टीम के मालिक को 40% पूर्णता दे दिया जाता है। हालांकि हैरान करने वाली बात यह है कि हर मैच में टीम मालिक का औसतन 50 करोड़ रुपए कमाते हैं, इसलिए हर टीम मालिक चाहता है हम ज्यादा से ज्यादा मैच खेलें। और टॉप 4 में जाने के बाद टिकट का अमाउंट लगभग दोगुना हो जाता है, इसलिए हर टीम मालिक चाहता है उसकी टीम टॉप 4 में जाए। हालांकि दोस्तों इसी तरह छठे तरीके की बात करें तो वो है मर्चेंडाइज पार्टनर। दरअसल जो ये नहीं जानते कि मर्चेंडाइज पार्टनर किसे कहते हैं, उन्हें बता दे कि हर मैच के दौरान हम फील्ड के बीच में और बाउंड्री रोप पर हम कई ब्रांड्स का नाम पढ़ते हैं, वही होते हैं मर्चेंडाइज पार्टनर। दरअसल किसी भी ब्रांड को आईपीएल में रोप में नाम दिखाने के लिए आम मैचों के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा रकम चुकानी पड़ती है, जो कि एक मैच का एवरेज 10 से 20 लाख रुपए है। साथ ही ग्राउंड रोप का 40 से 50 लाख रुपए और बाउंड्री वॉल का और ग्राउंड के बीच में दिखाने के लिए 10 करोड़ से ज्यादा रकम चुकानी पड़ती है, जिसका सारा पैसा सीधा टीम मालिक के पास जाता है। जो भी टीम के बीच मैच हो रहा होता है उसका 50-50% दोनों मालिकों को बांट दिया जाता है। हालांकि आईपीएल में कमाने का जो 7वां तरीका है, हमें लगता है वो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। दरअसल सेंट्रल पार्टनर होता है ब्रॉडकास्टिंग मीडिया, जो कि स्टार मीडिया के पास है अभी, पर साल 2008 से 2017 तक सोनी नेटवर्क के पास था, जिसके लिए सोनी नेटवर्क ने 8200 करोड़ रुपए चुकाए थे। पर 2018 से 2022 तक पूरा ब्रॉडकास्टिंग का राइट स्टार मीडिया ने ले लिया है, जिसके लिए स्टार मीडिया ने 1600 करोड़ रुपए चुकाए हैं कुल, यानी 3200 करोड़ रुपए सालाना। मतलब अगर एक बॉल की एवरेज निकाले तो स्टार मीडिया एक बॉल दिखाने का 22 लाख रुपए चुकाती है। हालांकि आपके दिमाग में अभी ये सवाल आ रहा होगा कि स्टार मीडिया इतना पैसा लाती कहां से है। दरअसल स्टार मीडिया मैच के बीच में एक एडवर्टाइजमेंट दिखाने का 18 से 125 करोड़ तक चार्ज करती है, और इस साल 4 बड़ी कंपनी अपस्टॉक, ड्रीम इलेवन, विमल इलायची और बायजूस ने लगभग 80 से 125 करोड़ रुपए चुकाए हैं हर विकेट और बाउंड्री पर अपना प्रचार दिखाने के लिए। हालांकि चैनल पार्टनर का भी 60% अमाउंट बीसीसीआई के पास और 40% टीम मालिक के पास जाता है, यानी हर साल डिजिटल मीडिया से आईपीएल के जरिए 1920 करोड़ की कमाई बीसीसीआई को और 1280 करोड़ की कमाई टीम मालिक को आती है। इसी तरह इस सूची में नंबर 8वां जो तरीका है वो है स्टेक सेलिंग का। हालांकि पहले ये समझ लेते हैं कि स्टेक सेलिंग होता क्या है। दरअसल टीम मालिक खिलाड़ियों को खरीदने के लिए नीलामी के दौरान फाइनेंशियल कमी ना हो, इसलिए टीम मालिक देश की बड़ी बड़ी कंपनियों को अपना कुछ प्रतिशत का स्टेक उन बड़ी कंपनियों को बेच देते हैं, ताकि नीलामी के दौरान किसी भी मालिक को अच्छी टीम बनाने में किसी तरह की पैसों की दिक्कत ना हो। एग्जाम्पल के तौर पे आरसीबी का कुछ स्टेक प्यूमा कंपनी के पास है और सीएसके का कुछ प्रतिशत का स्टेक मिंत्रा ने ले रखा है, और उन कंपनी के स्टेक ओनर टीम के प्रैक्टिस का सारा खर्चा और जर्सी का डिजाइन बनवाने का सारा खर्चा उठाते हैं, और स्टेक होल्डर द्वारा दिया गया सारा अमाउंट टीम के मालिक के पास जाता है। और दोस्तों अगर आप हर टीम के स्टेक होल्डर और टीम मालिक के बारे में पूरी तरह जानना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां जाके उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसी तरह 9वां तरीका जो है आईपीएल में कमाने का वो है बीसीसीआई द्वारा विनिंग टीम को 20 करोड़ रुपए दिया जाता है और रनर अप को 10 करोड़ रुपए, साथ ही 5-5 करोड़ रुपए तीसरे और चौथे दावेदार को भी दिया जाता है, जिसका 50% रकम टीम के मालिक के पास जाता है और 50% रकम टीम के खिलाड़ियों में बांट दिया जाता है। उसी तरह आईपीएल में कमाई का आखिरी और 10वां तरीका है भारत की कोई न कोई बड़ी कार कंपनी जीतने वाले टीम के ऊपर 15 करोड़ का इनाम रखती है, जैसे कि इस साल टाटा सफारी ने रखा है। साथ ही बेस्ट प्लेयर को कार भी गिफ्ट करती है, और ये भी विनिंग अमाउंट 50% टीम के मालिक के पास और बाकी 50% प्लेयर में बांट दिया जाता है। हालांकि अगर पूरे आईपीएल का एवरेज लगाए तो 10 से 80 करोड़ तक एक खिलाड़ी, 100 से 300 करोड़ तक एक टीम मालिक और 800 से 1500 करोड़ तक हर वर्ष बीसीसीआई कमाती है आईपीएल से। और ये हम नहीं बोल रहे बल्कि 2019 की बीसीसीआई की फाइनेंस रिपोर्ट में बताया गया है। हालांकि ये कमाई का आंकड़ा हर वर्ष बदलता रहता है, जिसमें सबसे अहम रोल प्ले करता है टिकट कलेक्शन की कमाई।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आप IPL के रिलेटेड और क्या जानना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमसे अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।